हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे जैसे वाइवा की जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो बहुत सारी जो क्वेरीज और डाउट्स आपके मैं रिजॉल्व कर ही रहा हूँ वन बाय वन। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज में, म्यूजिक सब्जेक्ट से लेकर, म्यूजिक मतलब संगीत, संगीत में आपसे क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। देखिए, वाइवा तो वहां भी होगा, हम ये नहीं कह सकते कि म्यूजिक में वाइवा नहीं होता। तो वाइवा एक्चुअल में आपने जो फाइल में जो भी डाटा लिखा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो 100% पूछे ही जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे राग भैरव के बारे में क्या कुछ पूछा जा सकता है। वैसे आपको सारा डिटेल मैं साइड में दे भी रहा हूँ, जैसे इसका थाट यानी भैरव जाति कौन सी है, इसकी संपूरण संपूरण है, गायन समय, राग भैरव को गाने का समय क्या होता है, प्रातःकाल यानी अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके म्यूजिक के वाइवा में, तो आपको पता होना चाहिए। और इसका जो सम प्राकृतिक राग कौन सा है, रामकली या कलिंगड़ा, रामकली कलिंगड़ा। और राग भैरव की उत्पत्ति जो है भैरव थाट से हुई है, यह मतलब ये पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ दी है, आप इसको देख सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है इसकी प्रकृति कैसी है, यानी जब राग भैरव गाते हैं तो कैसा आपको फील होता है, यानी ये गंभीर है, इसकी प्रकृति गंभीर है, और इसमें छोटा ख्याल बड़ा ख्याल द्रुपद व दमार आदि गाते हैं। तो इसमें रे और जो गा है जैसे धा है, ये कोमल लगते हैं। इसके अलावा जो इसमें भगवान शिव से संबंध भी ऐसा माना जाता है, कई संगीतकार जो हैं ऐसा मानते हैं कि राग भैरव का संबंध जो है ना भगवान शिव के साथ है, यानी ये जो है उनसे कनेक्टेड है। अब ये तो हमें सच नहीं पता, बट जो मेरे पास डेटा है मैं उसी की बेस पे आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ऐसा भी मानते हैं कि शिव भगवान ने सबसे पहले भैरव राग गाया था, और धार्मिक ग्रंथों में भी भैरव राग का वर्णन मिलता है, ये बात भी यहाँ पर सही है। इसके अलावा जो राग भाग्यश्री है, भाग्यश्री का जो थाट है वो कौन सा है, इस राग का थाट काफी है, और वादी, इस राग का वादी स्वर मध्यम महा, संवादी जो है इस राग का संवादी स्वर षड़सह, गायन समय यानी राग भाग्यश्री के गाने का समय क्या है, मध्य रात्रि का प्रहर है, मध्य रात्रि के वक्त इसको गाया जाता है, वर्जी स्वर, इसकी जाति क्या है, और इसके जो स्वर हैं यानी वर्जी स्वर में क्या है, इस राग में आरोह में रे और पा व अवरोह में पा और वह वर्जी स्वर हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस तो जो आपसे आपके म्यूजिक के वाइवा में पूछे जाने वाली है। और मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपको सिर्फ ये बताना कि अगर आप वाइवा दे रहे हैं तो आप ये चीजें पढ़ के जाएं, क्योंकि ये सब की सब बातें आपने अपनी फाइल में नोट की हुई हैं, आपने अपनी फाइल में लिखी हुई हैं। मे बी मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हिंदी है एक्चुअली, एब्सोल्यूट हिंदी, तो इसलिए थोड़ा सा इशू है इसमें। जैसे जप ताल है, जप ताल इसके आपसे पूछा जा सकता है कि इसके जो विभाग है वो कितने है? चार विभाग हैं, और दो मात्रा के यानी जो कि दो मात्रा तीन मात्रा और पुनः दो मात्रा और तीन मात्रा के हैं, ये चार विभाग हो गए। दस मात्रा की यानी ये ताल हो गई, और इस मात्रा की यानी जो दस ताल, दस मात्रा वाली ताल है, तो इसके बोल क्या हैं, यानी ये ताल गीत ख्याल गायकी आदि के साथ बजाई जाती है, तबले की ताल है, और श्रृंगार रस प्रदान ताल है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब ताल में कौन सा रस प्रदान है, तो श्रृंगार रस प्रदान है। नृत्य व गायन दोनों में ही इस ताल का प्रयोग होता है, ठीक है, नृत्य और गायन में। और इसके अलावा इसकी जो जाति है वो भी पूछी जा सकती है आपे, और उत्तर भारतीय यानी उत्तर भारतीय ताल है, और इसमें बीट चक्र दस का रहता है, जिसे खंड जाति समूह कहा जाता है, और इसकी जो ताल है कि वो इसकी जो स्वर है वो कौन कौन से, दीना धी दी ना ती ना धी दी ना, ये स्वर है इसकी, आपको माइंड में थोड़ा सा रखनी है। ऐसी जप ताल के बाद आपसे पूछा जा सकता है रूपक ताल के बारे में, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो भारतीय संगीत में रूपक ताल एक प्रमुख ताल है, और इसमें तीन खंड होते हैं। अब आपको तीन खंड समझने पड़ेंगे, कुल मिलाकर इसकी सात मात्राएं होगी, पहले भाग में तीन व दूसरे और तीसरे भाग में दो दो मात्राएं होती हैं, इसमें एक खाली तथा दो ताली होती हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाली आपकी ताली कहाँ लगनी है, फिर ये कहाँ लगना है, खाली को ऐसे छोड़ते हैं, वो आपको करके दिखाना होगा। और इसके जो सात मात्राओं की ताल तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें तीन भाग, पहले भाग में तीन मात्रा, फिर दो, फिर तीन भाग में दो 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 मात्रा होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस मात्रा में खाली भी कहाँ छोड़ते हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ताली भी कहाँ बजाते हैं वो भी पूछा जा सकता है,
और इसकी जो जो स्वर हैं वो है ती ती ना दी ना धी ना, ये इसके जो स्वर रहेंगे। और रूपक ताल भजनों ख्यालों गजलों इत्यादि के साथ बजाई जाती है, और संगीत के विद्यार्थियों के लिए इसे सीखना बहुत ही अनिवार्य है। इस ताल के तीनों भाग वो हमें पहले बता चुका हूँ। और इसके अलावा इसके बारे में अगर हम कहें तो भारत में पहले इस ताल में बहुत काम हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे इसके ऊपर गाने भी बने हैं, म्यूजिक यानी जो कंपोज किया गया इस ताल को यूज करके, लेकिन आज के टाइम में वो अलग बात है कि इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं होता, यानी आज के टाइम में इस ताल का प्रयोग इतना नहीं किया जाता। और इसके जो स्वर रहेंगे वो फिर से बता देता हूँ, ती ती ना धी ना दी ना। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड, वो क्या है कि धमार ताल क्या है, धमार ताल के बारे में बताइए। तो धमार ताल जो है भारतीय संगीत का एक प्रमुख, यानी भारतीय संगीत की एक प्रमुख ताल है, और इसमें कुल मिलाकर 14 मात्राएं होती है, 14 जो है 14 मात्राएं। मैंने आपको बोला कि हिंदी में थोड़ा सा इशू है, और इसमें चार भाग होते हैं, तो पहले वाले भाग में तो कम से कम 5 मात्राएं इसमें यूज होती ही है। ये तो हो गया हमारा जो राग है वो कौन से यूज होंगे, जो ताल है वो कौन सी यूज होंगी, उसको करने का तरीका क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ताली आपने ऐसे बजा के दिखानी है, फिर काउंटिंग आपकी ऐसे चलती है, अगर खाली है तो वो आपको ऐसे दिखाना होता है। इसके अलावा अगर तानपुरा की बात करें तो तानपुरा भी आपने अपने फाइल में जरूर लिखा होगा कि तानपुरा क्या होता है, कैसे उसके जो जैसे एक फीमेल का तानपुरा एक मेल का तानपुरा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो सारी की सारी जो है आपको डिटेल उसमें देनी होती है। फिर तानपुरे की ट्यूनिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि म्यूजिक का जो वाइवा है होता तो बहुत इजी है, लेकिन उन बच्चों के लिए इजी होता है जिन्होंने थोड़ा सा अपनी फाइल के ऊपर काम किया होता है। फाइल में लिखने का सिर्फ डाटा लिखना ही इनफ नहीं होता, आपको उसको गो थ्रू भी करना होता है। तो अभी तो मेरे पास इतना ही इसमें जो डाटा अवेलेबल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सिर्फ मेरा मेन मोटिव था आपको ये हिंट देना कि अगर आपका म्यूजिक का वाइवा होगा तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि दैट इज नॉट इनफ और आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और नोट्स वगैरह इसके प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। क्योंकि म्यूजिक का जो एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदी मीडियम है और इसकी जो बुक्स है मार्केट्स में इतनी अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप फ्री माइंड होकर जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है वहां पर आप मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश हिस्ट्री, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कोई भी आपका टॉपिक है जिस पर आपको लगता है अभी इन द कमिंग डेज, क्योंकि अभी 15 फेब तक आपके ये प्रैक्टिकल्स का काम चलना ही चलना है, तो इन द कमिंग डेज अगर आपको लगता है आपके वाइवा अभी पेंडिंग है, आपको उन पर प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बोलिए कि मुझे आपको उस टॉपिक पर वाइवा देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।